पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के ऐतिहासिक क्षण की गवाही बनने के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के अलग अलग कोने से राम भक्त अपनी आस्था दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मनगरी चित्रकूट के दिव्यांगजन भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए उत्सुक हैं और अपने हुनर से राम मंदिर से जुड़ी यादों को अपनी पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पेंटिंग अयोध्या में आयोजित भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रदर्शनी में देखने को मिलेगी। भले ही दिव्यांग हैं, लेकिन इनके हौसले किसी से भी कम नहीं हैं। बता दें कि चित्रकूट के सदगुरु स्वामी रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के मूकबधिर छात्रों ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर समेत ऐसी कलाकृतियां उकेरी कि मानो राम मंदिर निर्माण के हर पल की गवाही दे रहे हैं। इतना ही नहीं, दिव्यांग छात्र छात्राओं ने अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के जन्म दिवस पर अयोध्या में आयोजित 14 जनवरी से होने वाले कार्यक्रमों की प्रदर्शनी के लिए ये सभी पेंटिंग तैयार की हैं, जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज की अदालत की तस्वीर अपने आप में अभूतपूर्व संदेश दे रही है। ललित कला संकाय अतिथि प्रवक्ता संध्या पांडे ने कहा कि 2 दिवसीय कार्यशाला में 2 दर्जन से अधिक दिव्यांगों ने पैचवर्क, ट्रेडिशनल पेंटिंग, ब्लैक एंड व्हाइट लाइन ड्राइंग के द्वारा पेंटिंग का निर्माण कराया जा रहा है। ये सभी पेंटिंग तैयार कर आगामी 14 जनवरी से अयोध्या में आयोजित होने वाले सदगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के जन्म दिवस से लेकर 22 जनवरी तक आयोजित रामलला विराजमान प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विशाल हवन स्थल के पास प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें प्रभु श्री राम के मंदिर के अलावा जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज की पेंटिंग लगेगी। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में विश्वविद्यालय के अलावा बाहर के कलाकारों ने पेंटिंग तैयार की है। जैसे इस समय पूरे समाज में, पूरे देश में ये राम जन्मभूमि की खुशी की लहर दौड़ी हुई है, तो हमारे गुरु परम पूज्य गुरुदेव जी की अहम भूमिका रही है इसमें। तो हमारे कलाकारों ने भी सोचा कि हम लोग कैसे सहभागिता करें, तो ये ललित कला विभाग के द्वारा जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में एक 2 दिवसीय कार्यशाला रखी गई है, जिसमें राम जन्मभूमि से और उसमें गुरु जी की हमारी सहभागिता से लेके कलाकारों ने 70 पेंटिंगें बनाई हैं और ये सारी पेंटिंगें अयोध्या में प्रदर्शनी के तौर पर लगाई जाएंगी। और कुछ यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं इस पेंटिंग में, कुछ महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के और कुछ हमारे विकलांग विश्वविद्यालय के कलाकार हैं। इन्होंने बड़े उत्साह और खुशी के साथ पेंटिंगों को बनाया है और बड़े बखूबी इन मुद्दों को दिखाया है। संध्या पांडे का कहना है कि इसके पीछे एक मकसद भी है। इसके जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी राम जन्मभूमि कैसी है, उसकी स्थापना में क्या क्या हुआ, जन्मभूमि हमारी कैसी है, उसका नया मॉडल कैसा है, उसकी स्थापना में क्या क्या हुआ, गुरु जी का कैसे योगदान रहा, उन्होंने हमारे परम पूज गुरु जी ने जो गवाही दी थी उसका क्या अहम भूमिका रही है, ये भी कलाकारों ने दिखाया है। तो एक अच्छा है कलाकारों की तरफ से कि हम भी कुछ कह सकते। विकलांग बच्चे तो बोल नहीं सकते, तो वो कला अपनी एक रचनाओं के माध्यम से ही समाज के सामने अपने मुद्दों को रखते हैं। तो ये कलाकारों की तरफ से एक राम जन्मभूमि के राम जी के ऊपर एक कृपा का वो है कि हम उनके कृपा पात्र हैं। और बता दें कि वाकई इन लोगों ने कमाल कर दिया है, क्योंकि ये भले बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनके चित्रों ने सब कुछ बयां कर दिया है। अब बस राम भक्तों को इंतजार है तो 22 जनवरी का, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के अलावा प्राण प्रतिष्ठा होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।